हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉग एशिया में तो अगर आपको ब्लॉग्स वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो हैक्स वीडियो एंड ब्यूटी टिप्स वीडियो से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें तो चलिए आगे की बातें स्टार्ट करते हैं तो आज की बिजी लाइफ में सब कुछ टाइम पर होना बहुत मुश्किल है तो परेशान मत होइए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आपके लिए कुछ अमेजिंग साट मैं हैक्स वीडियो लेके आई हूँ तो आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा कर चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को शादी में या फेस्टिवल में लहंगा वेयर करना सबको पसंद है बट दुपट्टा कैसे कैरी करे बहुत मुश्किल है तो चलिए बताते तो आप दुपट्टे का दोनों तरफ का लास्ट वाला पार्ट ले और इन दोनों को आपस में कर ले ज्वाइंट एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से और उसको अपने शोल्डर पे रख के एंड पिन से होल्ड कर दे पिन अप करके तो सी फ्रेंड्स एंड आप खुद देख सकते हैं कि लुक कितना प्रीटी दिख रहा है अगर आपके पास गोल्ड या आपके ड्रेस से मैचिंग बेल्ट हो तो उसे लगा ले एंड अब आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं डांस वांस कुछ के लिए तो चलिए तो चलिए सेकेंड हैक्स की तरफ बढ़ते हैं अब टेंशन है हेयर स्टाइल का अगर आपको जुड़ा करने का मन हो खुले बाल ना करें गर्मी में तो अक्सर लोग पैसे तो चलिए मैं आपको एक हैक्स बताती हूँ तो सबसे पहले हाई पोनीटेल कर ले अपने ड्रेस के मैचिंग का रिबन लेके और मैंने यहाँ पे हाई पोनीटेल कर लिया है और इस टाइप का मैं जुड़ा मैकर ले ले रही हूँ और उसको और इसको अपने हेयर में फिट करके और मैं एक बर्न बना लूँ और इसको यू पिन से मैं अच्छे से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये खुले नहीं ऐसे हेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर ले एंड लेफ्ट की तरफ से आ, उसको गोल गोल रोटेट करके उसको यूपिन से सिक्योर कर ले एंड राइट right की तरफ से गोल गोल रोटेट करके यूपिन से सिक्योर कर ले ऐसा और अब ले ले ऐसा माला गेंदे के फूल का और उसमें से फूल को निकाल ले जैसे कि मैंने निकाल लिया है अब आप एक पिन ले लें और उसकी हेल्प से फ्लावर्स को पिन में पिन में लगा ले यहाँ पे रेडी है तो चलिए बताते हैं कैसे इसको अपने हेयर में लगाएंगे तो ऐसे पूरे फ्लावर्स को अपने पूरे जुड़े में लगा लेंगे और लुक वाइज सीरियस फ्रेंड बहुत ही अच्छा लग रहा था बट हाँ आप किसी का हेल्प ले सकते हैं मैं अकेले थी तो मैं किसी का हेल्प नहीं ले पाई तो कहीं कहीं दिख रहा था और फ्लावर्स भी कम थे तो आप जरूर किसी का हेल्प ले लीजिएगा जब कहीं नहीं दिखेगा तो और भी खूबसूरत लगेगा तो सिर्फ एंड मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ ये है मेरा फाइनल लुक और देखिए साइड से भी कितना प्रीटी दिख रहा है तो आप इस तरह का जूड़ा बन बना सकते हैं अगर आपके पास जूड़ा नहीं है तो चलिए तीसरे हैक्स की तरफ बढ़ते हैं तो आज की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम हर चीज़ टाइम पे तो ले नहीं पाते तो अगर आपके पास ड्रेस की मैचिंग बिंदी नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस तरह की बिंदी तो रखे ही होंगे तो मैं यहाँ पे दो बिंदियाँ लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आप अपने ड्रेस से मैच करता हुआ बिंदी कैसे बना सकते हैं तो आप सी गई मैं यहाँ पे दो बिंदी ले ली हूँ अब मुझे चाहिए कंसीलर तो मैं यहाँ पे कंसीलर ले लूँगी और उसे अपने बिंदी पे अप्लाई कर लूँगी बहुत अच्छे से जिससे कि हमारा बिंदी एकदम लाइट कलर का हो जाए ताकि जो भी कलर मैं लगाऊँ वो विजिबल हो एकदम क्लियर विजिबल हो कि मैं कौन सा सेड लगाई हूँ तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड कि बिंदी हमारी एकदम हाइड हो चुकी है स्किन कलर की हो चुकी है तो यहाँ पे मैं न्यूट कलर का लिपस्टिक ली हूँ सी फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक बिंदी को न्यूट कलर का बना दिया और दूसरे को मैं ब्लड रेड कलर का बनाऊँगी चलिए उसको भी लगा के आपको दोनों एक साथ दिखाती हूँ तो सी ये भी बन के रेडी है तो कितना अच्छा हैक्स है ना तो चलिए इससे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ अपने ऊपर तो देखिए अब आप पार्टी के लिए रेडी हैं तो टेंशन किस बात का तो वीडियो को लाइक करते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक्स की तरफ तो ये हैक्स होने वाला है मेहंदी के ऊपर इस बिज़ी लाइफ में सबको टाइम नहीं मिल पाता टाइम पे मेहंदी लगवाने का किसी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं लगवा पाता तो उससे रिलेटेड वीडियो मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि शादी पड़ता है और मैं नहीं लगवा पाती हूँ टाइम से कभी कभी होता है मैं लगवा भी लेती हूँ तो मैं आज लेके आई हूँ स्टिकर मेहंदी और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में तो मुझे इस टाइम का मेहंदी आप लोग भी रखा करें कभी इमरजेंसी पड़ने पे आप स्टिक कर सकते हैं तो मैं इसका ऊपर का पन्नी हटाऊँगी एंड सी बताती हूँ आपको कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे पन्नी हटा दिया है और अब मैं इसे अपने हैंड पे स्टिक कर लूँगी तो इसे अच्छे से स्टिक करे फ्रेंड मैं सामने से स्टिक करके दिखाती हूँ आपको और मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है इसको अच्छे से आप वो कर ले मैंने यहाँ पे एक कॉटन पैड ले लिया उसको पानी में डिप कर लूँगी और एक्सेस पानी को निकाल लूँगी थोड़ा बहुत ही पानी निकालूँगी ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कॉटन में ही रहने दूँगी और उसको अपने ये मेहंदी पेपर पर पे रब करूँगी और तब तक रब करूँगी जब तक वो कागज़ खुद ब खुद क्रेक ना होना चालू हो जाए तो ऐसे डैप डैप करते हुए एंड रब करते हुए आप पानी को उस कागज को अच्छे से डीपली एकदम भिंगो दे तो देखिए यहाँ पे क्रेक होना स्टार्ट हो गया है तो चलिए निकाल के आपको दिखाती हूँ रिजल्ट तो सी फैन आप खुद देख सकते कितना प्यारा सा आ चुका है मेरे हैंड पे तो देखिए हो गया ना झटपट मेहंदी तो अगर आपको टाइम ना मिले तो इस टाइप का मेहंदी आप ज़रूर रखा करें और ये इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है तो मस्त मेरा मेहंदी लग चुका है मैं बहुत हैप्पी हूँ अब रेडी हूँ पार्टी अटेंड करने के लिए तो चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ तो मेहंदी तो लग गया फ्रेंड बट नल पॉलिश लगाना बोलगी तो आजकल तो लोग इतने डिज़ाइनर टाइप का नेल आर्ट करते हैं बट आप अगर घर में हैं और नेल आर्ट नहीं करा सकते बाहर जाके तो घर पे ही कर ले और मैं यहाँ पे रेड कलर का नेल पेंट लगाऊँगी तो और एक फिंगर में मैं गोल्डन लगाऊँगी तो चलिए मैं और भी तीन में लगा लेती हूँ रेड कलर तो यहाँ पे लग चुका है और मेरा गोल्डन भी रेडी हो चुका है तो इस तरह का टूल्स आप ज़रूर रखा करें इमरजेंसी पड़ने पे आपको काम आएगा तो मैं यहाँ पे एक रेड कलर का बॉटल ली हूँ और उसमें से मैं कुछ नग स्टोन्स निकाल लूँगी जितना मुझे ज़रूरत होगा और उसे अपने गोल्डन वाले कलर पे स्टिक कर लूँगी अच्छे से तो यहाँ पे एक एक करके सी गए ऐसे ही मैं सारे नग को स्टिक कर लूँगी तो चलिए फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ आपको तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट बट ये तो अभी भी गिर सकता है ना तो इसको एकदम अच्छे से स्टिक करने के लिए जो निकले ना तो चलिए तो ट्रांसपेरेंट कलर का आप ले लें ले ले नेल पेंट और उसको ऊपर से आप एक कोट कर दे ताकि बहुत ही सुंदर सा दिखेगा भी साइन करेगा एंड तो अब आपका नील हो चुका है पूरा कंप्लीट और आप पार्टी के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं तो मैं आपको दिखा दूँ देखिए कितना साइन भी करने लगा है तो चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं तो सब तो हो जाता है बट लास्ट टाइम जब आप अपना अपने साड़ी से मैचिंग या ड्रेस से मैचिंग चूड़ी पहनते हैं या बैंगल तो वो इजीली हो नहीं पाता कभी कभी हमारा हाथ टाइट हो जाता है तो यहाँ पे देखिए मैं पहन रही हूँ मुझे भी नहीं हो रहा है तो मेरा हाथ वैसे थोड़ा बहुत टाइट है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ चलिए आपको बताती हूँ आप इसके लिए कोई भी नॉर्मल सी पन्नी ले लें मैंने यहाँ पे वो और उसे अपने हैंड में पहन लें और उसे अच्छे से टाइट कर लें और उसके बाद से आप अपने चूड़ी या बेंगल को पहनी देखिए इजीली एकदम हो जाएगा और कटने पीटने का भी डर नहीं रहेगा तो देखिए कितना आसानी से हो गया तो है ना सारे कमाल के एक्स तो इस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड आइकन को प्रेस कर ले तो चलिए अभी कहाँ जा रहे हैं चलिए नेक्स्ट एग को भी देखते हैं यहाँ पे हैवी मेकअप तो कर लिया बट इसको रिमूव कैसे करें आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो टेंशन किस बात का आपके पास क्लेंजिंग मिल्क तो होगा किसी भी ब्रांड का मैं यहाँ पे आयोर का ली हूँ और इससे मैं ऑलमोस्ट अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ मैं मेकअप रिमूवर नहीं यूज़ करती या तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ तो सब बट सबसे ज़्यादा मैं इसे यूज़ करती हूँ तो इसे अपने हैंड पे ले ले, ले। एंड उसे अपने फेस पे एक अच्छा सा मसाज करते हुए उसे क्लीन कर ले मेकअप को और नॉर्मल हैंड से करें और आप देख सकते हैं कितना इजीली ये मेकअप को रिमूव कर देगा ये आपके फेस से मेकअप तो रिमूव करेगा ही करेगा प्लस जितने भी गंदगी होंगी उनको भी रिमूव कर देगा साथ ही साथ तो चलिए देखिए कितने अच्छे से रिमूव कर दिया है मेरे मेकअप को तो चलिए इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है और कॉटन तौलिया की हेल्प से एकदम सॉफ्ट तरीके से इसे साफ़ कर ले तो आप तो रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं और और इससे एक और बेनिफिट है ये आपके स्किन को हेल्पफुल क्लीन एंड फ्रेश फील कराता है तो चलिए तो ये था हमारा छोटा सा हेल्पफुल वीडियो हैक्स वीडियो तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो ख्याल रखिए टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय